Hello everyone, today I am going to explain the lesson, the friendship. So let's proceed. Tilak and Sudhir have very different personalities and interest. Tilak और Sudhir की personality और interest एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. Let's find out, और पता लगाएं, how they became the best of friends, कि कैसे वो एक दूसरे के best friend बने. Guess what Tilak? His mother said, A week after they had moved into their new house. उनके नए घर में आने के एक सप्ताह के बाद उसकी मदर ने कहा कि तिलक गेस करो I have discovered that one of my old friends lives nearby. मैंने पता लगाया है कि मेरी एक पुरानी दोस्त पास में रहती है and her son is your classmate at school. और स्कूल में उसका लड़का तुम्हारा क्लासमेट है. His name is Sudhir. उसका नाम सुधीर है. Do you know him? क्या तुम उसे जानते हो? तिलक सुखी झेड. तिलक ने अपना सिर हिलाया. सुधीर? That boy isn't good at games or anything. सुधीर वो लड़का games और किसी चीज में वो अच्छा नहीं है. He keeps reading some old books all the time. वो पूरा टाइम कुछ पुरानी बुक्स पढ़ता रहता है. तिलक वॉज द स्कीपर ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम. तिलक स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था. स्कीपर मीन्स कैप्टन. एंड वॉज गुड एट फुटबॉल हॉकी एंड जिमनास्टिक्स एज वेल. और ऐसे ही वो फुटबॉल हॉकी और जिमनास्टिक में भी अच्छा था. वेल वी हैव इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स टू टी दिस इवनिंग. ठीक है, हमने उसके पेरेंट्स को आज शाम की चाय पे बुलाया है. Of course he will come too. Of course वो भी आएगा. When Sudhir's family came, जब सुधीर का परिवार आ गया, तिलक took Sudhir to his room. तो तिलक सुधीर को अपने कमरे में ले गया. While their parents talked in the drawing room, जबकि उनके parents ने drawing room में बातें की. The two boys did not have much to say to each other. दोनों लड़कों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था. तिलक न्यू सुधीर वॉज नॉट गुड एट गेम्स. तिलक को पता था कि सुधीर गेम्स में अच्छा नहीं है. एंड ही डिड नॉट बॉदर टू फाइंड आउट सुधीर्स इंटरेस्ट. और उसने सुधीर के इंटरेस्ट जानने की कोशिश भी नहीं की. सो बोथ हर वर क्वाइट ग्लैड व्हेन सुधीर गॉट अप टू गो होम. इसलिए जब सुधीर घर जाने के लिए खड़ा हुआ तो दोनों ही बिल्कुल खुश थे. दो देयर मदर्स विजिटेड ईच अदर ऑफन. जबकि उनकी जो मदर्स थी वो एक दूसरे से कई बार मिलती थी. तिलक और सुधीर ने वर्डिड. लेकिन तिलक और सुधीर ने ऐसा कभी नहीं किया. दे जस्ट डिड नॉट हैव एवरीथिंग इन कॉमन. एनीथिंग इन कॉमन. उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कॉमन जो एक दूसरे से मैच करती हो. वन डे वाइल प्लेइंग फुटबॉल. एक दिन फुटबॉल खेलते हुए तिलक गिरा एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग. और उसकी पैर में चोट लगी. मीन्स फ्रैक्चर आ गया. दिस मीन्ट दैट ही हैड टू मिस स्कूल फॉर अबाउट 6 weeks. इसका मतलब था कि उसको कम से कम 6 सप्ताह तक स्कूल को छोड़ना था. लाइंग इन बेड बेड में लेटते हुए तिलक फेल्ट वेरी लोनली एंड सॉरी फॉर हिमसेल्फ. बेड में लेटे हुए तिलक ने बहुत अकेलापन महसूस किया और खुद के लिए बहुत दुखी हुआ. ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक पहले सप्ताह के दौरान हिज फ्रेंड्स केम ओवर एवरी इवनिंग टू चीयर हिम अप. उसके दोस्त हर शाम को उसे खुश करने के लिए आते. बट एज द डेट ऑफ क्रिकेट मैच अप्रोच्ड. लेकिन जैसे ही क्रिकेट मैच की डेट पास आने लगी दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू स्पेयर फ्रॉम देयर प्रैक्टिस. तो उनके लिए उनकी प्रैक्टिस से बहुत थोड़ा और भी थोड़ा टाइम उनके पास बचा. वन इवनिंग तिलक्स फ्रेंड्स विजिटेड हिम. एक शाम तिलक के फ्रेंड्स ने उसके पास आए. Full of excitement about the coming match. आने वाले मैच के बारे में वो पूरी तरह से excited थे, खुश थे.
One of them had been selected as the skipper in Tilak's place. उनमें से एक तिलक की जगह कैप्टन, स्कीपर मीन्स कैप्टन, चुना गया था. What a shame you can't play. कितनी शर्म की बात है कि तुम नहीं खेल सकते. We are really going to miss you. हम वास्तव में तुम्हें याद करने वाले हैं. तिलक smiled bravely. तिलक बहादुरी से मुस्कुराया. Never mind. When his friends had gone, जब उसके दोस्त जा चुके थे, तिलक tried hard to fight back his tears. तिलक ने मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की. He had never felt more disappointed and lonely. तिलक ने means उसने कभी भी इतनी निराशा और अकेलापन पहले कभी महसूस नहीं किया. Suddenly his mother came into the room. अचानक उसकी मदर कमरे में आई. A visitor for you, तिलक. तिलक तुमसे कोई मिलने आया है. It was Sudhir. यह सुधीर था. He came forward shyly. वो शर्माते हुए आगे आया and sat down on a chair near तिलक's bed. और तिलक के बेड के पास एक चेयर पर बैठ गया. I have brought you a book to read. मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए बुक लाया हूँ. You must be getting bored. तुम जरूर बोर हो गए होंगे लाइंग इन बेड, बेड में लेटे हुए. तिलक पिक्ड अप द बुक विदाउट मच इंटरेस्ट. तिलक ने बिना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट के बुक को उठाया. ही डिडंट फील लाइक रीडिंग. उसे पढ़ना पसंद नहीं था. हाउएवर द कवर कोट हिज आइज. जो भी हो, जो बुक का कवर था उसने उसका ध्यान खींचा. It was a picture of a beautiful snow white चित्ता called Pippa. यह एक beautiful snow white चित्ता की पिक्चर थी जिसका नाम पिपा था. He opened the book. उसने बुक को खोला. It was full of photographs of a Pippa and her cubs. ये पिपा और उसके छोटे बच्चे थे, उनके फोटोग्राफ से भरी हुई थी. The little ones were sewing, climbing trees, playing. और छोटे बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए, खेलते हुए, even enjoying a cold drink out of a bottle with a straw. यहाँ तक कि एक बोतल से स्ट्रो की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक को इंजॉय करते हुए दिखाया गया था. इट्स ए गुड बुक. यह एक अच्छी बुक है. आई थिंक यू विल लाइक इट. मैं सोचता हूँ तुम इसे पसंद करोगे. ही देन गोट अप टू गो. फिर वो जाने के लिए खड़ा हो गया. डोंट गो सो सून. इतनी जल्दी मत जाओ. टेल मी अबाउट द बुक. मुझे बुक के बारे में बताओ. सुधीर सेट डाउन अगेन. सुधीर दोबारा बैठ गया. ही टोल्ड तिलक द स्टोरी ऑफ पिपा. उसने तिलक को पिपा की स्टोरी बताई. फ्रॉम द टाइम सी वॉज ए कब, जब वो खुद एक छोटी बच्ची थी, टिल सी हैड लिटिल कब्स ऑफ हर ओन. और जब तक की बताई, जब तक कि उसके खुद के बच्चे नहीं हो गए. मीन्स उसने उसको कंप्लीट स्टोरी बताई. When Pippa was only a few weeks old, जब Pippa सिर्फ कुछ ही weeks की थी, she was presented to a couple called George and Joy Adamson. तो उसे present में दे दिया गया एक couple को जिसका नाम George और Joy Adamson था. Who were they? वे कौन थे? George Adamson was the keeper of a game sanctuary in Africa. George Adamson अफ्रीका के गेम सेंचुरी में कीपर था. The Adamsons brought up Pippa. Adamsons ने Pippa को पाला पोसा. And it is Joe Adamson who has written the book about her. और ये Joe Adamson ही था जिसने उसके बारे में बुक को लिखा है. It must be fantastic to have a cheetah for a pet. ये तो बड़ा ही शानदार होगा कि एक चीता को पालतू पशु की तरह रखा जाए, एक पेट बना के रखा जाए. They had a lioness too as a pet. उनके पास एक पालतू की तरह एक शेरनी भी थी. Really? सुधीर नोडेड. सुधीर ने हाँ में सिर हिलाया. हर नेम वॉज एल्सा. उसका नाम एल्सा था. जो एडमसन रोट ए बुक अबाउट हर टू. जो एडमसन ने उसके बारे में भी एक बुक लिखी थी.
इट्स कॉल्ड बोर्न फ्री, और इसको बोर्न फ्री बोला जाता है। इट बिकेम ए बेस्ट सेलर, और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली बनी, यू नो, तुम्हें पता है। एंड इट वॉज इवन मेड इन टू ए फिल्म, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। तिलक वॉज फैसिनेटेड, तिलक बड़ा ही प्रभावित हुआ। वेन तिलक्स मदर पीप्ड इन टू द रूम एंड और लेटर, जब तिलक की मदर ने एक घंटे के बाद कमरे में झांका, सी फाउंड द टू बॉयज डीप इन कॉन्वर्सेशन, उसने पाया कि दोनों लड़के बातचीत में बिजी थे। सी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। यू मस्ट कम मोर ऑफन सुधीर, तुम्हें रोज यहाँ पे आना चाहिए सुधीर। तिलक गेट्स वेरी लोनली बाय हिमसेल्फ, तिलक बहुत अकेला हो जाता है। सुधीर केम बाय द नेक्स्ट इवनिंग एंड द नेक्स्ट, सुधीर अगली शाम को आया और उसी अगली शाम को। सुधीर केम सून, ही बिगेन टू ड्रॉप इन एवरी इवनिंग, और फिर वो हर इवनिंग को आने लगा। एंड तिलक स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट्स, और जो तिलक था वो उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा उसके आने का। सुधीर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, सुधीर जो था वो जंगली जीवन और जूलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था। ही विजिटेड द जू एवरी वीकेंड टू वॉच द एनिमल्स, एनिमल्स को देखने के लिए वो जू हर वीक में, मीन्स सप्ताह के अंत में वहाँ पे जाता था। तिलक वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू डिस्कवर दैट सुधीर हैड क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एट होम, और सुधीर को ये जानकर बहुत ही अचंभा हुआ कि सुधीर के पास, तिलक को ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि सुधीर के पास कुछ एनिमल्स का घर पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, लाइक टू कैट्स, टू डॉग्स, अ बेबी ओल एंड अ बेबी मंकी, जैसे कि दो कैट्स थी उसके पास, टू डॉग्स थे, एक छोटा बेबी ओल था और एक बेबी मंकी। वन इवनिंग सुधीर ब्रॉट द मंकी विद हिम टू तिलक्स हाउस, एक शाम को सुधीर तिलक के घर पे मंकी लेके आया, बंदर को साथ लेके आया। हिज मदर गॉट द शॉक ऑफ हर लाइफ, और उसकी मदर को बड़ा ही धक्का लगा, मीन्स उसको वो शॉक्ड रहेगी, उसको बड़ा डर लगा। व्हेन द मंकी सडनली जंप्ड आउट ऑफ हर फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन, जब अचानक से वो बंदर कर्टेन के पीछे से उसकी मदर के ऊपर कूद गया, जंप कर गया, तो उसे बड़ा डर लगा। एंड स्टार्टेड चैटरिंग, और उसने चैटरिंग स्टार्ट कर दी। द बॉयज हैड ए गुड लाफ, और बच्चे अच्छे से हंसने लगे, उनको बड़ी हंसी आई ये सीन देख के। ओके, सिक्स वीक्स पास क्विकली, छः सप्ताह आसानी से बड़ी जल्दी गुजर गए। एंड ऑलमोस्ट बिफोर ही न्यू इट, और इससे पहले कि वो जान पाता, तिलक वॉज आउट ऑफ बेड, और तिलक बेड से बाहर था। एंड ओन हीज फिट अगेन, और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा था, मीन्स उसे टाइम का पता ही नहीं चला। आफ्टर हिज फर्स्ट डे बैक एट स्कूल, पहले दिन स्कूल से लौटने के बाद तिलक वेंट ओवर टू सुधीर हाउस, तिलक सुधीर के घर पे गया। सुधीर वॉज फीडिंग हिज पेट्स, सुधीर अपने पेट्स को खाना खिला रहा था। द बेबी ओल वॉज पर्ट ऑन हिज शोल्डर, जो बेबी ओल था वो उसके कंधे पे बैठा हुआ था। तिलक एंजॉयड स्पेंडिंग द डे विद सुधीर एंड हिज एनिमल्स, तिलक ने सुधीर और उसके एनिमल्स के साथ टाइम गुजार कर, दिन गुजार कर बहुत इंजॉय किया। हाउ स्ट्रेंज दैट सुधीर्स मदर एंड यू शुड हैव बीन फ्रेंड्स, कितना स्ट्रेंज है, कितनी अजीब बात है कि सुधीर की मदर और तुम एक दूसरे के दोस्त हो। एंड नाउ सुधीर एंड आई आर पाल्स, और अब मैं और सुधीर भी एक दूसरे के दोस्त हैं। तिलक सेड टू हिज मदर दैट नाइट, तिलक ने उस रात अपनी मदर को बताया। हिज मदर स्माइल्ड, और उसकी माँ मुस्कुराई। यू मस्ट थैंक यू फॉर ब्रोकन लेग फॉर हिज दिस फ्रेंडशिप, तुम्हें अपनी बेचारी टूटी हुई टांग को इस फ्रेंडशिप के लिए जरूर थैंक्स बोलना चाहिए। आई नो, ग्रिंड तिलक, अब तिलक मुस्कुराया, मुझे पता है, बट आई होप आई डोंट हैव टू ब्रेक अ लेग ईच टाइम आई मेक अ न्यू फ्रेंड,
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार एक नया दोस्त बनाने के लिए मुझे अपनी टांग को न तुड़वाना पड़े। सो स्टूडेंट्स लाइक दिस दे बिकम फ्रेंड्स।